तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप सी क्लासेस में। दोस्तों, आपके बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर BSF की सैलरी, BSF की सैलरी, BSF में कितने रिस्क के अलाउंस मिलते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक पे। तो बेसिक पे इसकी है 21,700 रुपये आपकी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक पे 21,700 होने वाली है। कितनी होने वाली है? 21,700 पे। तो आपके सामने दो सैलरी स्लिप लगी हुई हैं और ये दो कोई खास महीनों की हैं। तो आप कहोगे इन्हीं महीनों की क्यों, तो चलिए देखते हैं। बात कर लेते हैं पहले इस वाली की। ये है आपकी कब की? जुलाई की। ये देखिए प्रदीप यादव, और जुलाई कब की है? जुलाई महीने की है आपकी। यहाँ देखा जाए तो बेसिक पे कितनी है, तो अभी बेसिक पे है 23,100 रुपया। कितनी है? 23,100 रुपया। ये तो हम लोगों की है अभी की। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक पे 21,700 होने वाली है। कितनी? 21,700 होने वाली है। अगर आगे देखा जाए तो ये DA है। DA ये कितना है आपका? 9,702। DA कितना है? तो DA आपका 9,702, महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये अभी आपको 46% मिल रहा है और 4% बढ़ के अब 50% आपका आने लगेगा। कब से? जुलाई से आने लगेगा। ठीक है, अभी कितना मिल रहा है? तो अभी आपको 46% मिल रहा है। यहाँ देखिए बोनस जीरो है। यहाँ बोनस क्या है? जीरो। ये बोनस क्या है देखिए, इसका कंपेरिजन आप इस तरफ करते हैं तो यहाँ भी देखिए आप बेसिक पे 23,700, DA यहाँ बढ़ के मिला है 10,626। यहाँ कितना मिला था? तो यहाँ मिला था 9,702। ये जुलाई 2023 की है और ये आपके अक्टूबर 2023 में, यानी आपकी जुलाई में बढ़ जाता है। जुलाई और आपकी जनवरी में, वो जुलाई में बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ DA भी 10,626 हो गया आपका। कितना हो गया? 10,626। अब बात की जाए तो यहाँ DA और ये आपका 2,988 है और यहाँ आपका जीरो है। ये क्या है? ये TPT अलाउंस है। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, आप मूव करते हैं, कहीं एक्स्ट्रा जैसे इलेक्शन ड्यूटी जाते हैं कहीं भी, तो उस तरह आपका TPT बनता है। तो ये हो गया। यहाँ बोनस है आपका 6,998। कितना है? 6,998। तो ये बोनस आपका रक्षाबंधन टाइम पे भी मिलता है और आपका दीपावली के टाइम पे मिलता है। तो ये आपका बोनस है 6,900, ये बोनस का है। कब का है? तो अक्टूबर, आपका अगस्त में रक्षाबंधन था, सितंबर में रक्षाबंधन था, और रक्षाबंधन के बाद आता है जस्ट, और दीपावली, दो आपको बोनस मिलता है, रक्षाबंधन और दीपावली का। अगर यहाँ बात करें तो ये आपका हेयर कट अलाउंस है। कितना है? 45 रुपया। यहाँ आपका हेयर कट अलाउंस 45 है और यहाँ भी हेयर कट अलाउंस कितना है? 45। ये आपका RMA है, राशन मनी अलाउंस, 3,890। कितना है? 3,890। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपका 3,890 ही है। यहाँ भी कितना है? 3,890। तो अभी सिर्फ आपको एक बोनस में चेंजेज मिला है और DA तो वो बढ़ गया, ठीक है, 4% बढ़ा था पिछली बार, तो उसका बढ़ गया। अभी आने वाली सैलरी में फिर से बढ़ जाएगा। बात करें यहाँ आपका RHA कितना है? 6,000। यहाँ भी आपका RHA कितना है? 6,000। तो ट्रेनिंग टाइम में इनमें से आपको बहुत सारे अलाउंस नहीं मिलते हैं। ट्रेनिंग टाइम में आपको बहुत सारे अलाउंस नहीं मिलते हैं, लेकिन ये आपके जब बटालियन में आप ड्यूटी करते हो वहाँ मिलते हैं। फिर आपका है HRA, कितना है? 2,079। इधर भी HRA देखेंगे तो दोनों स्लिप में, दोनों सैलरी स्लिप में आपका 2,079 ही है। आगे बात करें तो आपका TPT अलाउंस कितना है? 2,556, और यहाँ आपका TPT कितना है? 2,628, यानी ये भी बढ़ गया आपका। यहाँ देखो आपका ड्रेस अलाउंस है 10,000। ड्रेस अलाउंस कितना है? 10,000, और यहाँ ड्रेस अलाउंस कितना है? जीरो। तो आपकी जो जुलाई की होती है, तो हर साल जुलाई में आपके लिए ड्रेस का अलाउंस 10,000 दिया जाता है आपको, ताकि आपको पैसा दिया जाए सरकार की तरफ से। आप जो पूरे साल अपनी ड्रेस पहनते हैं, अपने जूते वगैरह जो कुछ भी, तो 10,000 में मोस्टली हो जाता है, पूरे साल के लिए आप आराम से कर सकते हो। यहाँ आपका साबुन के लिए है, टॉयलेट ऑल सबके लिए 45, और यहाँ भी आपका 45 है। यहाँ देखा जाए रम अलाउंस यानी दारू का, और यहाँ भी कितना है? 68 रुपये। तो
बढ़ती नहीं है BSF में दारू, आपको महीने के हिसाब से आप छुट्टी जा रहे हो तभी मिलती है, ठीक है। और कोई कैंटीन का कार्ड नहीं बनता दारू का, BSF में ऐसा कोई दारू का कोई आपका लिखकर कार्ड नहीं बनता है, बाकी जो जैसा आर्मी में होता है ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। पैरामिलिट्री आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है। यहाँ हो गया, अब आपने यहाँ देखा तो अब कहाँ है, यहाँ 30 रुपया, और यहाँ भी कितना है 30, दोनों जगह यहाँ आपका 30 30 हो गया। यहाँ है आपका CPF अमाउंट कितना, 3280, यहाँ आपका CPF अमाउंट 3280 है, और यहाँ हो गया CPN 3373, कितना 3373। ये आपका CPF ARR कितना है 277, यहाँ भी आपका CFF ARR नहीं है। अगर यहाँ देखें तो आपके 40 रुपये आपके एजुकेशन फंड में जमा होते हैं, आपके एजुकेशन फंड में 40 रुपये कटते हैं सबके, यहाँ भी 40 ही कट रहे होंगे। ये 15 रुपये, ये कभी किसी महीने कोई कार्यक्रम होता है आपकी यूनिट में, कोई फंक्शन होता है तो उसलिए थोड़ा बहुत वहाँ हो जाता है। यहाँ देखा जाए तो 60 रुपये यहाँ हैं, वहाँ 75 हो गए, फिर आपके यहाँ 631 हैं, और यहाँ कितने हैं 631। यहाँ एजुकेशन लोन वगैरह जो आप लोन वगैरह ले रखा होता है वो दर्शाया जाता है, चूंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट टू बैंक कितना 53404, कितना है 53404, और यहाँ देखोगे बैंक अमाउंट है तो 53951, कितना है 53951। अब बात कर ले ये तो हम लोगों का, अगर आप नई ज्वाइनिंग करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर आप नई ज्वाइनिंग करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपके अकाउंट में सब कुछ काट के आपके अकाउंट की अमाउंट की बात की जाए तो आपको, आप ट्रेनिंग टाइम में जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी वो आपकी 33 34 हज़ार के लगभग रहेगी, 3233 के लगभग रहेगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग ख़त्म कर रहे होंगे तो आपकी 38 हज़ार के लगभग पहुंच रही होगी, जैसे ही आप ट्रेनिंग ख़त्म कर रहे होंगे तो 38 हज़ार के लगभग पहुंच रही होगी। वहीं आप ट्रेनिंग करके यूनिट में जाते हैं तो वहाँ फिर आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलने लगते हैं, वहाँ के आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अलाउंस मिलने लगते हैं। देखिए इसमें बहुत अंतर होता है कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में जो आपका है वो 9% होता है एचआरए, ठीक है। जिला लेवल पे 18% होता है एचआरए, और आपके जो मेट्रो सिटी होती हैं यहाँ आपका 27% होता है। मेट्रो सिटियों में कितना होता है, तो मेट्रो सिटियों में आपका एचआरए 27% होता है, जैसे आपका चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, इन मेट्रो सिटियों का है यहाँ 27% है। बाकी आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उनका 18% एचआरए, और बाकी आपका गाँव का 9% है। तो आपके और आपके कोई मित्र है उसकी सैलरी में डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कोई गांव से बिलोंग करता है उसको 9% मिल रहा होगा और आपको यहाँ 27% मिल रहा होगा, कितना मिल रहा होगा 27% मिल रहा होगा। तो ये रही BSF की सैलरी की पूरी सब कुछ जानकारी आपको आंखों के सामने, इसमें ना कुछ झूठ है और ना कुछ तथ्य एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, जो है सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, जो भी है सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। चलिए तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप फौजी हो आने वाले समझ के, तो एक हमारा क्या कहें आपसे, आप सब समझते हो, तो आपको बस सपोर्ट करना है, जी जान से सपोर्ट करना है, ये आपका अपना चैनल है। चलिए जय हिंद जय भारत।